भैया हम तो हो गए घायल। अब मैं आ गया हूँ ड्राइविंग सीट में, भाई ने ले लिए दवाई, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और जब थोड़ी भाई की हालत डाउन है तो रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना मेडिसिन ले रखी है। पहली बार मैं इतने लंबा इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है ऑसम गजब। भाई इसको क्या भाई हो इसकी गया? तो हो गई हालत, चल भी रहा है भाई इतनी कंडीशन में। आते ही भाई हो गया है अभी देर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है अपना 11th डे इस ट्रिप का और रिटर्न का 2nd डे। कल आपको पता ही हम लोगों ने रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दी थी, तो हम लोग जो है शाम को यहाँ पहुँच गए थे मालेगांव। और आज मॉर्निंग में अभी 9 o'clock हो रहा है और मालेगांव से हम लोग चेकआउट करके निकल रहे हैं भाई। तो आज जो अपन ने पहुँचना है वो उज्जैन का मैप लगाया है, यहाँ से 365 किलोमीटर है उज्जैन, और 7.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है कंटिन्यू अगर चलते रहे, और बीच में गैप गुप लिया तो 8-8.5 घंटे ऑब्वियसली हो जाएगा। तो 2400 किलोमीटर की जो हमारी जर्नी थी, वैसे ज़्यादा थी, पर 2400 किलोमीटर में हमने एंड करनी पड़ी। तो अब रिटर्न जो है हमारा वो 1100 के अराउंड है, क्योंकि हम लोग जो आए थे वो आउटर से काफ़ी घूम फिर के आए थे, अब जाना जो है वो सीधा हाईवे पकड़ के जाना है, तो 1100 घंटे की जर्नी है। तो चलो आज भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और कल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, एक्चुअली मे बी शायद रोड जो है कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, अदरवाइज 365 किलोमीटर में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बट जैसे ये देखो ऐसी रोडें होगी अगर गांव की, ये तो खैर शहर है तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा ऑब्वियसली, आप जानते ही हो। तो बस शुरू करते हैं आज की जर्नी। और एज यूजुअल जैसे कल आपको पता ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो तबीयत जो है इवनिंग टाइम में थोड़ा और ज़्यादा हो गई थी, तो फिर शाम को दवाई दुई लेके आए। तो अभी फ़िलहाल इतना हो गया कि गाड़ी चला रहे हैं, दवाई दुई खा ली है, बाकी देखते हैं कितना होता है, कितना सफ़र कटता है, अदरवाइज़ फिर ज़्यादा होगा तो फिर मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो देखते हैं। चलो भाई सामने दिख रहा है फ्लाईओवर, तो फाइनली हम लोग ये जो गली की रोड थी, वैसे तो हाईवे था ये 60, पर बहुत खचपच हाईवे था बहुत ज़्यादा। तो मुझे दिख रहा है कि हम लोग एक हाईवे पे जुड़ने वाले हैं जिसका नाम है हाईवे 52, नहीं वो भी 60 है अभी, अच्छा अभी 60 चलेगा उसके बाद आएगा 52। तो यहाँ लिखा है आई लव मालेगांव, मालेगांव से आई लाइक क्या। तो चलो गाइस चढ़ते हैं इस फ्लाईओवर पे, पकड़ते हैं बढ़िया सी एक रफ्तार। धूल चढ़ गई है ना इस पे भाई, बस की हालत कितनी गंदी हो रखी है, ये महाराष्ट्र की है, इसकी सारी बसें ऐसी हैं। शिंदे जी की फोटो लगी हुई, शिंदे जी की देखो ना, मिट्टी में कहाँ सन के आ रहे हैं सब। तो भैया हम तो हो गए घायल, अब मैं आ गया हूँ ड्राइविंग सीट में, भाई ने ले लिए दवाई, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तब तक मैं चला रहा हूँ गाड़ी अब। और भाई अपन ने अपना 7वां तेल भी डलवा दिया भाई, टंकी हो गई फुल और अब दौड़ेगी गाड़ी मस्त। आराम थोड़ा आराम कर लेते हैं, हाँ आप रेस्ट कर लो थोड़े थोड़े से ब्रेक के बाद। तो अब हम लोग आ चुके हैं एमपी में, एंटर कर चुके हैं, और एमपी के जो भाई हाईवे है ना वो कितने बेस्ट है, ये देखो महाराष्ट्र के कितना हाईवे,
वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। एमपी के हाईवे इतने बढ़िया है, अमेजिंग मज़ेदार हाईवे है, मतलब कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं। एक महाराष्ट्र के हाईवे थे, इतने गड्ढे थे उसमें, ये बढ़िया है। तो एमपी बहुत बढ़िया यार स्टेट है, इतना सफाई भी बहुत है, तभी ऐसे ही नहीं, इंदौर नंबर वन है क्लीनिंग के मामले में। तो अपना अब जो है पूरा 200 किलोमीटर रह गया है उज्जैन, और यहाँ से 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो 3:30 का टाइम दिखा रहा है भाई, टाइम डाउन आ गया है, क्योंकि पूरा हाईवे हाईवे चल रहा है अब, और हाईवे खाली पड़े हैं, कोई ज़्यादा खचपच नहीं है। और तो थोड़ी भाई की हालत डाउन है, तो रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना मेडिसिन ले रखी है। तो भाई पहली बार मैं इतने लंबा इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है ऑसम, गजब, ऐसे भागती है। देखना और चलाने में फ़र्क होता है ना, देखा तो बहुत बार है, जब खुद चला रहा हूँ तो पैर रखते ही एकदम भाग रही है मक्खन की तरह। भाई इसकी तो हो गई हालत, चल भी रहा है भाई इतनी कंडीशन में। ओ भाई सिर्फ ड्राइवर सीट बची हुई है और कुछ नहीं बचा हुआ, पलटा होगा मेरे को लग रहा है, पलटा है भाई खतरनाक वाला। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं उज्जैन, बस 10 किलोमीटर रह गया, होटल ढूंढते हैं यार। वैसे तो टाइम अभी 3 बज रहा है, पर रश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो होटल ढूंढ रहे हैं और आज यहीं रुकते हैं उज्जैन। वैसे उज्जैन के लगाया था, और फिर उस टाइम फ़िलहाल टाइम जो दिखा रहा था ना, वो 4 बजे दिखा रहा था, लेकिन अपन लोग 3 बजे पहुँच गए हैं खींचम खींच में। मैं तो आराम से लाया हूँ फिर भी, तो उज्जैन रुक जाता है क्योंकि रश ज़रूरी है, रश हो जाएगा तो बढ़िया है। कहाँ चलना है फिर, MPT? MPT में तो चलो MPT में चलते हैं इनके होटल में, और वहाँ देखते हैं। MPT के होटल भी बढ़िया है वैसे, हम रुके भी हुए हैं वहाँ। 3:30 बजे आज अपन लोगों ने अपनी गाड़ी जो रोक दी है भाई, जो कि देखो आते ही भाई हो गया है अभी ढेर, तो अभी कुछ मंगाया है ताकि मेडिसिन खा लें उसके बाद, खाने के बाद तो होपफुली कल तक थोड़ी जो बुखार वुखार है वो कम हो जाएगा, और कल हम फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। तो आज तो मैंने ही सारी गाड़ी चलाई, और भाई मैं भी थक गया गाड़ी चला के, आदत नहीं रही ना, क्योंकि 10-12 दिन हो गए बगले बैठ रहते थे। तो बस अभी कुछ खाने को मंगाया है, खाएंगे। तो ये देखो MPT के होटल भाई, बहुत बढ़िया होटल है ये वाला होटल, तो ये रूम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये वाला, और जो लास्ट टाइम सांची में भी लिया था हमने वो भी काफ़ी अच्छा था वो रूम भी, तो MPT का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था, इसलिए हम लोग अंदर को आ गए। चूँकि हम लोगों ने ना वैसे होटल तो बाहर भी मिल रहे थे, लेकिन क्या है कि निकलना इधर साइड से ही है, तो MPT सेंटर में था तो इस साइड आ गए। तो कल यहाँ से निकलेंगे हम लोग मॉर्निंग में जितना जल्दी, क्योंकि कल भी थोड़ी जर्नी 7-8 घंटे की रहेगी हमारी। तो कल देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हम लोगों को ये राजस्थान होते हुए लेके जाएगा दिल्ली, तो कल शायद हम लोग राजस्थान में होंगे। तो मे बी देखते हैं कहाँ पर गाड़ी का स्टॉप लगाते हैं, जहाँ पर रुके हैं हम लोग। तो बस अभी क्या है, मेरे को भी बड़ी थकावट सी हो रही है, मैं सोच रहा था पहले नहा लेता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी देर एक 1.5 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, उसके बाद नहाते धोते हैं और फिर देखो काम करते हैं बैठ के।